अभी हम लोग आगे देखते हैं रोलैंड एक्सपीएस 30 में हम लोग यूटिलिटी कैसे यूटिलाइज करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग लूप प्ले कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी में अभी आपको कोई फ्रेश पेन ड्राइव लेना है, वो पेन ड्राइव आप अपने कीबोर्ड से कनेक्ट करिए। यहाँ से आप सबसे पहले आपको ये यूएसबी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ेगा। जब आप उसको फॉर्मेट करेंगे तब आपके पेन ड्राइव में एक फोल्डर बनेगा जिसमें रोलैंड, फिर सॉन्ग लिस्ट और ये सब उसमें रहेगा। पहले ही आपको पूछता है फॉर्मेट यूएसबी, तो आपको ओके करना है। देख लीजिए आपके पेन ड्राइव में कोई अगर आपका पुराना काम का डेटा हो तो पहले उसको आप निकाल दीजिए, वरना वो आपका डेटा ख़राब हो जाएगा। वंस अगर आपने ये पेन ड्राइव आपके कीबोर्ड में फॉर्मेट कर दिया है, मतलब ये पेन ड्राइव आपका एक्सक्लूसिव हो जाएगा, जो स्पेशल ये ही कीबोर्ड के लिए रहेगा। उसमें आपको आगे बहुत कुछ काम होगा, आपका बैकअप आपको लेना है, कुछ बैकअप आपको रिस्टोर करना है तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन इस पेन ड्राइव से आपको लेना है, तो आप अपना पेन ड्राइव एक बार ऐसा सिक्योर करके रखिए। अभी ये प्रोसेस हो रहा है, आपका पेन ड्राइव फॉर्मेट हो रहा है। और हमेशा ध्यान रखिए किसी वायरस हो ऐसे किसी कंप्यूटर में आपके पेन ड्राइव को न लगाए, या आपके किसी दोस्त को अगर आप पेन ड्राइव देते हैं तो उसको पहले एक बार कंफर्म कर लीजिए कि उसके कंप्यूटर में वायरस होगा तो आपका पेन ड्राइव ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जब तक ये अपना पेन ड्राइव फॉर्मेट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तब तक हमें थोड़ा वेट करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ओके, अभी ये फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस पेन ड्राइव को क्या उपयोग लेंगे, और जैसे हमने अभी इसको यूटिलिटी किया, यूटिलिटी में अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो अभी हम इसको बैकअप करते हैं। यहाँ पर आप अपना जो भी फाइल का नाम देना है वो आप दे दीजिए। अभी मैं इसको एज इट इज XPS 30 रखता हूँ। ये पूछेगा ओके, मीन्स अभी जो मेरे कीबोर्ड के अंदर जो मैंने टोन बना के रखे हुए या मेरा जो भी सेटिंग है, ये सब सेटिंग ये पूरे बैकअप में एक बार बाहर एक्सपोर्ट होके स्टोर हो रहा है। ये जब इसमें स्टोर हो जाएगा तो बाद में कभी आपने अपने कीबोर्ड को कुछ भी अगर चेंजेस किया होगा या फिर आपके कोई टोन ख़राब हो गए हैं तो यहाँ से आप वापस उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये इसका अभी आपके जो अभी के कीबोर्ड के सेटिंग है वो पूरे सेटिंग एक अपने इस पेन ड्राइव में ये बैकअप ले रहा है। अभी ये बैकअप हो जाएगा, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ कंप्यूटर में ये किस हिसाब से दिखेगा, फिर उसमें लूप्स हम कैसे रखेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ, और लूप कैसे बजाना है। जब तक ये प्रोसेसिंग होता है हमें वेट करना है, और ये एक बार आपका बहुत कीमती डाटा है, ये कीमती डाटा एक बार आपका आपके पेन ड्राइव में स्टोर हो जाना बहुत ज़रूरी है। ये डिपेंड करेगा उसमें आपका कितना हैवी है, जैसे उसमें अगर ज़्यादा वेव सैंपल्स आपने मल्टी सैंपलिंग के लिए यूज़ किया होगा तो इसको बैकअप लेने में थोड़ा समय लग सकता है, और या फिर आपका डेटा अगर करप्ट हुआ होगा या डिफेक्टिव होगा तो भी उसको ज़्यादा टाइम लग सकता है। हाँ, अभी ये हमारा बैकअप कंप्लीट हो गया था, तो जैसे अभी आपको कुछ करना नहीं है, ये ऑलरेडी बैकअप हो गया है। अब इसको हम देखेंगे कि ये हमारा बैकअप कहाँ पर है। अगर हम इसको रिस्टोर करेंगे, रिस्टोर करेंगे मीन्स पेन ड्राइव में जो डाटा है उसको हम अगर हमारे कंप्यूटर में सॉरी कीबोर्ड में लाना है, तो अब देखिए ये आपके सामने ये फाइल आपको दिख रहा है XPS 30 SVD, जो अभी हमने बैकअप लिया है वो यह फाइल यहाँ पर है। बाद में आप जितने बैकअप लेंगे हर बार उसको एक नया नाम दे दीजिए, ताकि आपका हर नया नया बैकअप उसमें एज इट इज़ रहे। अभी इसको वापस रीलोड नहीं करना है। अगर आप इसको एंटर करेंगे, जैसे मैं अभी इसको एंटर कर रहा हूँ तो ये पूछ रहा है ओके, आप अगर उसको ओके करेंगे तो ये उसमें लोड हो जाएगा। हमें अभी उसको लोड करनी नहीं है, इस वजह से हम इसको अभी यहाँ से एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा यूटिलिटी। अब यूटिलिटी में एक है ये अपना फैक्ट्री रीसेट। कभी कभार क्या होता है कि आपके कीबोर्ड कोई मिस फंक्शन करता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इसके सेटिंग्स कुछ बहुत आगे पीछे हो गए, तो आप चाहे तो एक बार उसको मास्टर रीसेट भी कर सकते हैं। तो आपका कीबोर्ड जैसा आपने ब्लैंक खरीदा था, उसमें कोई नए टोन नहीं, कुछ भी नहीं, वो एज इट इज़ एकदम ब्लैंक हो जाएगा। तो आप अपने कीबोर्ड को यहाँ से फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। तो अभी चलिए पहले मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल के एक बार ये पेन ड्राइव को हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ।
हाँ फ्रेंड्स, अभी हम आशा करता हूँ ये कंप्यूटर आप देख रहे हैं, अभी मैं यहाँ पर इसके साथ ये जो पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव जो मैंने अभी कीबोर्ड से निकाला है, मैं उसको अभी ये कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ये कुछ इस हिसाब से फोल्डर्स बने होंगे, इसमें आप देखेंगे एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, रोलैंड और सॉन्ग लिस्ट। तो जहाँ से आपको अगर कोई, जब आप वेव सैंपल्स वगैरह इंपोर्ट करके कोई साउंड बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंपोर्ट में डाल दीजिएगा, वहाँ से फिर ये आपके साउंड्स को इंपोर्ट करेगा। फिर रोलैंड का ये फोल्डर आप ओपन करेंगे तो XPS नाम का फोल्डर, उसमें बैकअप, यहाँ पर आपको ये दो फाइल दिखेगी, उसमें एक है XPS 30 जो SVD फाइल है और उसके ऊपर एक बीन फाइल है, ये दोनों फाइल रहेंगे तब जा करके ये आपका बैकअप प्रॉपरली काम करेगा। चलिए अभी यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। ऐसे जितने भी बैकअप आपको यहाँ रखने हैं वैसे बाहर से आप कॉपी करके भी रख सकते हैं। चलिए अभी हम, ये मेरे पास अभी जैसे 3 ऑडियो वेव फाइल है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ ये अपने XPS 30 के सॉन्ग लिस्ट फोल्डर में आपको ये रखना है। आप ध्यान रखिए आपके जो भी ऑडियो लूप्स है उन सभी लूप को आपने रखना है आपका सॉन्ग लिस्ट फाइल में। ओके, अभी हमारे ये 3 अलग अलग फोल्डर है और आपको क्या करना है वो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। इसमें हाँ, अभी यहाँ पर ये मेरा पहला फाइल है, पहला फोल्डर है, उसका नाम है कहलवा रिकॉर्डेड, वो हमने एक स्टूडियो सैंपल करके रिकॉर्ड करवाया है। ये PA68 फिल्मी धमाल, ये कॉर्क PA600 में से मैंने लिया हुआ स्टाइल का है और ये कॉर्क का ही है, Bolly 2 ये नाम के। अब आप देखिए यहाँ पर आपके सामने ये 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 आपको लूप दिख रहे हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है ये वेव फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, अगर ये MP3 या और कोई फॉर्मेट में रहेगा तो ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अभी इसके प्रॉपर्टीज़ में आपको दिखा देता हूँ कि इसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। ये आप देखेंगे डिटेल में 705 kbps है और हाँ, और ये आपका फाइल कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए ये भी आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई आपके पास कोई वेव फाइल है लेकिन वो वेव फाइल, अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये हमारा लूप है, ओके okay, अब आपने ये ऐसा कोई भी फाइल आपके पास हो तो उस फाइल को आप जैसे यहाँ से एक्सपोर्ट एज वेव करेंगे तो वहाँ पर आपको देखना है 16 बिट, ये आप देख रहे हैं 16 बिट में होना ज़रूरी है। 16 बिट होगा तभी इसमें सपोर्ट करेगा, अदरवाइज आप इसको वेव में अलग 32 बिट ऐसा कोई भी करोगे तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो अभी ये हमारे सामने आपका और दूसरा आपके पास जो भी लूप्स है उन लूप को आप जैसे यहाँ पर नंबरिंग करेंगे ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उस हिसाब से वो आपके पैड पे सेट होगा। अभी जैसा मुझे पता है कि मेरे 1 नंबर का लूप कैसा है, 2 नंबर का कैसा है, 3, 4, तो मैंने उस हिसाब से उनके आगे नंबरिंग किया हुआ है और उसी नंबरिंग के हिसाब से वो यहाँ पर बैठेगा। चलिए तो अभी हम इस पेन ड्राइव को यहाँ से निकालते हैं, उसमें हमने रख दिया है, अभी हम इसके ऊपर काम करेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये कैसे प्ले करेगा। हाँ फ्रेंड्स, अभी हमारा पेन ड्राइव इसके साथ लग चुका है, अभी हम देखेंगे कि लूप कैसे बजेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लास्ट में यहाँ आप देखेंगे तो ये ऑडियो फाइल, ऑडियो लिखा हुआ है, उसको आपने ऑडियो को ओपन करना है। अब आप देखेंगे जैसे ये धीरे 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 पैड्स फाइल को रीड कर रहे हैं तब आपको डिस्प्ले में ऐसा दिखेगा यहाँ पर। अभी जैसे मेरा पहला फोल्डर था उसका नाम था कहरवा रिकॉर्ड, अभी मैं ये अपर की से उसको थोड़ा यहाँ ले जाता हूँ,
तो देखिए कहरवा रिकॉर्ड जहाँ लिखा था वहाँ पर ये अभी वाइट हुआ है। इसको मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये हो गया PA 68 फिल्मी, और यहाँ पर है PA बॉली 2.2 मतलब 90 का टेम्पो है। तो आप देख रहे हैं ये तीनों अभी फोल्डर यहाँ ओपन हो चुके हैं। चलिए अभी मैं इसको कहरवा रिकॉर्ड अभी मुझे बजाना है, तो हम क्या करेंगे इसको एंटर करेंगे। अभी हमने एंटर किया, हाँ अभी ये हमारा आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखा रहा है पैड वन, वहाँ पर है कहरवा V1 मतलब ये वेरिएशन वन है। चलिए ये अभी हमने इसको लूप नहीं किया था इस वजह से ये लूप फॉर्मेट में नहीं बज रहा है इसको। ओके तो क्या करना है आपको, ये प्ले किया ओके, अब ये आपके समझ में आ गया कि जब आप उसको लूप ऑन करेंगे ये आपको एक ही बार करना है। आप चाहे इसको यही फोल्डर को आप 50 बार बजाओ 1000 बार बजाओ ये लूप ऐसे ही बजेगा। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, अभी ये तिरकिट है तो तिरकिट में लूप नहीं बजेगा। ये भी कट पिकअप है, ये भी पिकअप है, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया लूप और लूप के साथ उसके तिरकिट या फिर पिकअप। तो हम कैसे करेंगे, अभी और इसका एक फंक्शन ये है जो हमें समझना है कि अगर आप एक बार का ही हमारा ये लूप है और हम लोग अगर ये चल रहा है, मैं अभी आपको अगर मैं इसको ऐसा बीच में से एंटर कर दूंगा तो वो बार ख़त्म होने के पहले अगला लूप चालू हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपका टाइमिंग ख़राब हो जाए। लेकिन उसी चीज़ को आपने अगर ऐसा सिस्टम से बजाना है कि आप जैसे ये एक बार का लूप ख़त्म हो बाद में ये चालू हो, मतलब बीच में से उसको तोड़े नहीं, अभी आपको समझ में आ गया कि आपको साइमेंटेनियसली पहले ये दबा के रखना है बाद में ये दूसरा दबाना है, तो क्या होगा कि पहले का एक बार खत्म होगा बाद में दूसरे का चालू होगा। अभी मैं इसको आप देख रहे हैं कितना फिनिशिंग से नेक्स्ट में जा रहा है। वरना क्या होगा, देख रहे हैं उसका एक बार ख़त्म नहीं हुआ था, उसके पहले ये बीच में कहीं से भी जब हमने पुश किया तो वहाँ से चालू हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से हमने क्या करना है, अच्छा दूसरा ये भी है कि अगर हमारे पास ये यहाँ पर तिरकिट है या पिकअप है तो उसको भी हम ऐसे बजा सकते हैं। आप प्लेइंग करते टाइम आपके पास बहुत बार ऐसा होता है कि आप सब टाइमिंग को मैनेज करना ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इस तरह से काम करेंगे तो हो सकता है कि आपसे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये अभी मैंने आपको कहरवा रिकॉर्डेड दिखाया, अब मैं आपको ये 68 फिल्मी जो कॉर्क PA 600 और इन सब कीबोर्ड्स की स्टाइल है। चलिए अभी मैं इन सब में अपने पिकअप है उस वजह से मैंने उनको किसी में लूप नहीं किया। अब आपने एक बार लूप कर दिया है तो जरूरी नहीं कि बार बार करना पड़ेगा, आप जैसे इसको प्रेस करेंगे लूप अपने आप चालू हो जाएगा। और आप इसको बंद करना चाहे तो यहां से भी आप कर सकते हैं, फिर आपको रेगुलर अगर आपको कीबोर्ड बजाना है इसको यहां से एग्जिट करिए और आपका यहां से ये आपके साउंड।
बस आपको अगर ये जो प्लेइंग चल रहा है उस दौरान अभी इसमें ये एक अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जब हम लोग रेगुलर इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे होते हैं तब यहाँ से पैड आपका चला जाएगा। अगर आपको वापस उसमें जाना है तो आपको ये ऑडियो दबाना पड़ेगा, वापस आपका ये पैड सेक्शन चल जाएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये लूप बजाने को लेकर के आपके मन में अगर कोई डाउट्स है और या फिर अपना मेनू में हमारा जो यूटिलिटी सेक्शन था उस यूटिलिटी सेक्शन को लेकर के भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आई थिंक यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। और ये मेरा रोलैंड XPS 30 का आखिरी वीडियो था। अब इसके बाद हम और दूसरे कीबोर्ड्स के ऊपर काम करेंगे। आपने ये सब जितने भी वीडियोस मैंने कोशिश करी है आप लोगों को दिखाने की, समझाने की, आशा करता हूँ आप लोगों को हेल्पफुल होंगे और दोबारा मिलेंगे किसी अच्छे दूसरे कीबोर्ड के साथ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।